आपसे जो आप अभियान शुरू किए हैं पोस्ट आपके माध्यम से आरक्षण को लेकर, क्या मुद्दा है आपका और क्या प्रेरित किया आपको ये अभियान शुरू करने के लिए? नमस्कार, जय हिंद। मैं सबसे पहले ये वार्ता शुरू होने से पहले आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत है और ये आरक्षण के मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई नेता सामने नहीं आना चाहता है, कोई मीडिया नहीं बात उठाना चाहती है। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, इससे पहले कि आप कोई सवाल करें, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ कि इस देश का युवा क्या चाहता है। इस देश का युवा यहाँ प्रगति देखना चाहता है, इस देश का युवा अच्छी इमारतें देखना चाहता है, उन्नति देखना चाहता है, सड़कें देखना चाहता है, सही इलाज देखना चाहता है, हॉस्पिटल में सही इंजीनियरिंग देखना चाहता है। यानी कि इस देश में जरूरत है प्रगतिशील लोगों की, मेहनती लोगों की और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की। अगर आरक्षण देकर हम प्रतिभा को ही मार देंगे, आरक्षण देकर हम प्रतिभा को बाहर भेज देंगे भारत से, तो हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? इसलिए आवाज सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर उस युवा की है जो यहां उन्नति देखना चाहता है, देश की तरक्की देखना चाहता है। आज आंकड़ा यह कहता है कि देश में 10 से 12 लाख युवा स्टूडेंट्स देश छोड़कर बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में आरक्षण के कारण उनको न नौकरी मिल पाती है न ही एडमिशन मिल पाता है। कारण यह होता है कि न सरकारी अस्पतालों में सही डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि जिनको आपने 50-60% देकर डॉक्टर बनाया है वो 90% वाले डॉक्टर बनने लायक लड़के से कैसे आगे निकल पाएंगे? तो हमारा मुद्दा यह है कि आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दीजिए, जो गरीब है लेकिन सक्षम है उसको दीजिए, ना कि जाति आरक्षण दीजिए जिससे इस देश में असमानता फैल रही है, इस देश में अराजकता फैल रही है। और सबसे बड़ी बात, जब देश आजाद हुआ और यहां का संविधान बना, तब हमारे दलित भाइयों पर जो अत्याचार हुए थे, मैं मानता हूं कि उस समय स्थिति सही नहीं थी दलित समाज की, लेकिन क्या 70 साल बाद वही स्थिति है? 70 साल तक हर 10 साल में आरक्षण को बढ़ाया जाता है ये बोलकर कि दलित समाज को आगे लाने की जरूरत है। तो भाइयों, मैं बता दूं, गुर्जर समाज, मीणा समाज, पाटीदार समाज या मराठा समाज, जो भी समाज है, 40% गवर्नमेंट सर्विसेज में है, सही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, अफसर बनते हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। तो इससे क्या असमानता नहीं फैल रही है? अब जब 40% समाज ऊपर आ चुका है, हर युवा शिक्षित हो चुका है 70 सालों में, तो वो 70 साल बाद अब आरक्षण को खत्म करने की जरूरत है, ताकि ये समानता बनी रहे, प्रतिभावान बच्चे हमारे पढ़ सकें, जिनको जरूरत है, किसान के बेटे को जरूरत है आरक्षण की और फौजी के बेटे को जरूरत है आरक्षण की, आप उनको आरक्षण दीजिए ना, ना कि जाती है। अब रामविलास पासवान जी के बेटे को क्या जरूरत है, मायावती जी के बेटे को क्या जरूरत है? अगर उनका बेटा होगा तो उनका क्या जरूरत होगी उनको आरक्षण की? तो समाज में वही हो रहा है, असमानता फैल रही है। और आप देखिए, अस्पतालों में इलाज ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे ग्रेजुएट तो बन जाते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, पुल गिर रहे हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, रोड खराब हो रही है। ये उन्हीं लोगों से खराब हो रही है जो आरक्षण की बदौलत गलत कुर्सी पर बैठे हैं। पोस्ट कार्ड क्रांति जो हमने चालू की, ये आरक्षण मुक्त अभियान के तहत हमने चालू की है। इसमें हमने करीब 25,000 पोस्ट कार्ड अभी तक भरे हैं, लोगों से काफी बड़ा समर्थन मिला है। पोस्ट कार्ड क्रांति, हमने 1,00,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी तक आरक्षण मुक्त अभियान के रंग से रंग कर भेजना हमारा एक मुहिम है, जिसमें अभी तक 25,000 बुकिंग आ चुकी हैं। मैंने परसों अपने भाई बंधुओं से मदद मांगी थी कि एक एक बंदा भी अगर एक एक पोस्ट कार्ड भेजेगा तो प्रधानमंत्री जी के कानों में बात पहुंचेगी कि लोग वास्तव में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और एक एक पोस्ट कार्ड एक एक परिवार का खंडन है। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारा सर ऊंचा किया है पूरे विश्व में, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के मुकाम पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ही हमारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वास्तव में आरक्षण की कोई मांग नहीं है। और जिन लोगों ने साथ दिया है पोस्ट कार्ड इस क्रांति में, परशुराम सेना युवा वाहिनी है, विश्व ब्राह्मण एकता परिषद है, सर्वशक्ति मंडल मित्र मंडल फाउंडेशन जयपुर से है, सर्व राजपूत समाज है, ब्राह्मण सेना संगठन है, विश्व हिंदू एकता सभा है, हिंदू महासभा है, राष्ट्रीय क्षत्रिय सभा है, स्वर्ण एकता संगठन है, और बहुत सारे संगठन का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, और हजारों भाई, 25,000 पोस्ट कार्ड अभी तक लगभग बुक किए जा चुके हैं। एक दिन में 14,000 पोस्ट कार्ड बुक करना बहुत गौरवशाली बात थी।
यानी कि इस पोस्ट कार्ड क्रांति से भारत देश के जितने भी जनरल कास्ट के लोग थे, जितने भी ओपन कैटेगरीज के लोग थे, उन्होंने एकता दिखाई और आज एक मंच पर खड़े हो गए। मैं भाइयों से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप इसी गर्मी को, इसी एकता को दिल्ली में और दिखा दीजिए। जितने भी आंदोलन नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं आरक्षण विरोध में या जाति आरक्षण विरोध में, उनमें हमको एक बार एकता दिखानी पड़ेगी। फिर से सर, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन आता ही है। आप देखिए 370 सालों से चली आ रही थी, परिवर्तन एक झटके में हो गया। मोदी साहब ने एक झटके में 370 हटा दी। दूसरी बात, अब इसका मुद्दा थी कि 3 तलाक का, वो भी एक झटके में हटाई। राम मंदिर पर सुनवाई चल रही है, आज शाम को 5 बजे फैसला आ जाएगा। एक झटके में फैसले होने हैं। तो आरक्षण कहीं ना कहीं असमानता फैला रहा है, 70% जनरल कास्ट को ठेस पहुंचा रहा है। चूंकि ये ब्राह्मण समाज, ये ठाकुर समाज, ये ओबीसी समाज कभी कुछ बोला नहीं है, सड़क पर आंदोलन नहीं किए हैं, इसलिए सरकार शायद मौन है, उनके कानों में बात नहीं गूंज रही है। वरना गुर्जर आंदोलन की तरह, चाहे जाट आंदोलन हरियाणा का हो, मराठा आंदोलन महाराष्ट्र का हो, या पाटीदार आंदोलन गुजरात का हो, इनकी तरह का सड़क पर उतर जाए समाज तो भारत में खलबली मच जाएगी। कितना नुकसान होगा, अकेले जो अनुमान मेरा है, मैंने लास्ट बार बताया था 3.5 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान, और ये सरकारी नुकसान आंकड़ा कहता है, देश को हुआ इन आंदोलनों से। और ये आंदोलनों से नुकसान इतना बड़ा है कि यहां से लेकर दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है अगले 10 सालों तक फ्री में। तो हमारे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारे देश की योजनाएं खराब हो रही है। आम आदमी त्रस्त है, अपने बच्चों को 90% दिलाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं दिला पा रहा है, तो देश में कहां से अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कहां से अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे। हम ये नहीं कहते हमारे दलित भाइयों को नहीं मिलना चाहिए, पर शर्म की बात तो यह है कि असली में जो पीड़ित हैं दलित भाई, उनको आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है। आप मुझे बताइए, कितने ऐसे अखबारों में आपने देखा है या मीडिया में सुना है कि फलाने रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बना, आया है, लेकिन लाखों में एक आया है कि गरीब का बच्चा अचानक आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। क्योंकि आरक्षण देने की असली मुहिम अमीर लोगों के पास है, सहूलियत अमीर लोगों के पास है, जो दलित है वो अमीर इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि फ्री की सेवा मिल रही है, फ्री की चाशनी मिल रही है, किसको अच्छी नहीं लगेगी। तो हम चाहते हैं कि गरीब का हक है आरक्षण का, तो गरीब को भी मिलना चाहिए। और मेरा निवेदन इस भारत सरकार से और मेरे सभी भाइयों से कि एक बार इस एकता का प्रदर्शन कीजिए। नवंबर दिसंबर के महीने में जो आंदोलन होना चाहते हैं, एकजुट हो जाइए, ग्रुप बनाइए, सेंड कीजिए, और शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हंगामा नहीं, केवल एक रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन इस भारत सरकार से कि इस पर गौर किया जाए। हमें एक और क्रांति नहीं चाहिए देश में, हमें देश में एकता चाहिए, समानता चाहिए, हमारे बंधुओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ हमें समानता चाहिए। अगर भाई ये बोलते हैं कि भाई तुम समानता की बात करते हो मंदिरों, किस मंदिर में दलित भाइयों को नहीं घुसने दिया जाता बताइए। अभी कुछ दिनों पहले बड़ा वायरल हो रहा था, कहां पर लड़की अनुष्का शर्मा किसके यहां ब्याही गई है, आप खुद सोचिए, जिन्हें आप रोल मॉडल मानते हैं। तो ये सब बात बकवास है कि आप बोलते हो समानता नहीं है, समाज में समानता है। आज बड़े बड़े ऑफिसर दलित भाइयों से आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके भाई भी आए, हमारे भाई भी आए। आरक्षण पद का गरीब का है, और गरीब को ही ये मुहिम उठानी चाहिए, हमारे साथ देना चाहिए कि आरक्षण मुक्त भारत हो। जय हिंद, जय भारत।